दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों अभी है सुबह का समय और देखिए मेरी गुड़िया इधर क्या है बेटा, क्या है? आओ इधर, इधर आओ। इमली। क्या है? इमली। इमली है? हाँ, कहाँ से लाया है? बारिश से। बारिश से लाया है? अपना बारिश से। तो दोस्तों मेरा चीकू लाया है इमली बीज करके, मतलब पेड़ के पास जा गया था अभी, तो हम बुला के लाए। और दोस्तों तो ये दिखा रहा है इमली और लाया है चार पांच जो है और अब नहीं, नहीं खाना बेटा, खट्टा होता है ना इमली। मीठा है? मीठा है, हाँ मीठा है। बोला देखो है, फेंक दिया? हाँ। क्यों फेंका? सूख गया था? हाँ। ओ, गुड़िया का खरी है ना? हाँ। गुड़िया को नहीं दिया है? नहीं दिया। तो दोस्तों अभी हम देखिए इधर चूल्हा जला है और देखिए मेरा उधर कढ़ाई है, तो अभी हम बनाएंगे आलू का सब्जी। ये देखिए आलू गाजर को काट लिए हैं और ये देखिए इधर मेरा प्याज, ये देखिए पत्ते वाला प्याज। तो अभी हम बनाएंगे आलू का सब्जी और बहुत ही नए स्टाइल में बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि इतना सारा देखिए हम पत्ता वाला प्याज काट लिए हैं और बहुत ही अच्छा तरीका से बनाएंगे हम आज आलू का सब्जी। और इधर देखिए मेरा इधर चूल्हा भी जल गया है और इधर देखिए मेरा कढ़ाई है, तो अभी हम कढ़ाई को यहाँ चढ़ा देंगे। ये देखिए गर्म होने के लिए चढ़ाया है कढ़ाई को। हाँ ये देखिए, हाँ तो कढ़ाई को सबसे पहले हम गर्म कर लेते हैं। ये देखिए छल करके क्या हुआ, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो उसमें मत देना, छोड़ दो। तो आज हम चीकू को स्कूल में भेजे हैं, क्या करेगा? क्या बोला? सब्जी बनाएंगे बेटा, इसको उधर रख दे, प्लेट वहाँ रख दे, सब्जी बनाएंगे, देख लो ना। हाँ वहाँ देंगे, रुको तेल देंगे तो लड़का, तेल दे देंगे तेल। और देखिए इधर मेरा कढ़ाई गर्म हो रहा है और ये देखिए दोस्तों मेरा इधर कढ़ाई भी गर्म हो गया है और देखिए इधर मेरा तेल रहा, तो हम इसमें डालेंगे तेल। ये देखिए दे देंगे ना, रुको पकने दो बेटा। किसको? ये देखिए मेरा तेल इधर दे दिए, तेल गर्म होने के लिए, तेल को गर्म कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेजपत्ता, ये देखिए तेजपत्ता भी ले लिए हैं। क्यों डाल दिया बेटा? ये देखिए डाल दिए तेजपत्ता को कढ़ाई में, तो अभी हम इसको पका लेंगे। देखो मल्ला देखो किया है मेरा, देखो मल्ला, मम्मी देखो मल्ला। ये देखिए मेरा तेजपत्ता इधर पक गया, तो अभी देखिए मेरा इधर रहा प्याज, तो हम प्याज को डालेंगे सारे प्याज। देखिए प्याज को हम पका रहे हैं तेल में, फ्राई कर रहे हैं। और देखिए कम हो गया, जल गया तेल में। तो अभी हम इसको फ्राई कर लेते हैं तेल में अच्छा से लाल होने तक। उतना लाल नहीं करेंगे क्योंकि लाल तो ज़्यादा होगा नहीं, बहुत देर लग जाएगा पकाने में, तो थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं इसको, प्याज के पत्ते को और प्याज को तरह। तो चलिए अभी फ्राई कर लेते हैं इधर, तो दे दिए फ्राई होने के लिए। ये देखिए वो देखिए इधर मेरी गुड़िया खा रही है अनार ना बेटा। हाँ ये देखिए, ये देखिए चीकू भी खा रहा है। कहाँ बेटा, दिखाओ इधर, दिखा दो। हाँ ये देखिए मेरी गुड़िया भी दिखा रही है। हाँ बेटा, हाँ हाँ तुम भी खा रही है ना? हाँ कितना दिखाएगा ना। हाँ और ये देखिए मेरा पक रहा है इधर,
देखिए मेरा रहा आलू और गाजर, ये देखिए। उसके पकने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाला। तो देखिए इधर मेरा रहा हल्दी, नमक और मसाला भी ले आते हैं। थोड़ा सा पानी में डाल के उसको खिला लेते हैं मसाले को, उसके बाद हम डालेंगे प्याज। हम सभी जाते हैं दुकान मसाला लाने के लिए। ये देखिए मसाला रहा, और ये देखिए इधर कटोरी में पानी ले लिया है। तो हम पानी में डालेंगे मसाला, हल्दी और नमक थोड़ा सा फूलने के लिए। ये देखिए मसाला ले लिए, इसमें हल्दी, जीरा, गुलकी, धनिया और तेजपत्ता का पाउडर। ये देखिए कटोरी में डाल दिए पानी में, और अभी डालेंगे इसमें हल्दी। और ये देखिए इधर हल्दी भी ले लिए, और अभी हम इसमें डालेंगे नमक कटोरी। ये देखिए, और ये देखिए नमक भी ले लिए। इधर मेरा पक रहा है प्याज। ये देखिए मैं प्याज इधर पक गया है हल्का, और थोड़ा सा पका लेते हैं प्याज का कलर कैसे लग रहा है देखने में। ये देखिए प्याज का कलर देखिए कितना मस्त लग रहा है। हाँ एक दो उसे क्या हुआ? कौन गुड़िया? गंदा मत खाना बेटा, दो अच्छा से निकाल लेंगे, दो अच्छा वाला दो। इधर देखिए मसाला हम ले लिए हैं कटोरी में। इधर पक रहा तब तक इधर मेरा मसाला भी फूल रहा है थोड़ा। ये देखिए पिसा हुआ मसाला रहते तो नहीं फुलाते हम, ये था पाउडर वाला। और ये देखिए मेरा इधर प्याज भी फ्राई हो गया है, और अभी हम इसमें डालेंगे मसाला। ये देखिए तो चलिए डाल देते हैं मसाले को। ये देखिए ले लिए हम, ये मसाला डाल दिए इसमें। तो हम इसको अच्छे से पका लेंगे इसको मसाले को प्याज के साथ। ये देखिए और ये देखिए मेरा मसाला भी एकदम फ्राई हो गया है। ये देखिए ये देखिए इतना मस्त लग रहा है मसाला। ये देखिए तो अभी हम इसमें डालेंगे आलू और गाजर, इसलिए डाल देते हैं। ये देखिए तो अभी हम आलू और गाजर को डाल देंगे इसमें। देखिए सारे आलू और गाजर को डाल दिए। सारा डाल दिए हमको, और अभी हम इसको मिलाएंगे और थोड़ा सा तेल के साथ इसको फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ। ये देखिए देखिए सारा मसाला हम मिला दिए इसमें।
और अभी हम बर्तन से इसको ढक देंगे। इसी बर्तन से ले देखिए, ऐसे बर्तन रहा तो चलिए अभी ढक देते हैं। ये देखिए ढक दिए थोड़ा सा फ्राई होने के लिए मसाले के साथ। तो अभी हम इसको फ्राई कर लेते हैं इधर, और इधर हम धीमे धीमे आँच भी लगाएंगे पकने के लिए उधर। ये देखिए तो चलिए अभी इसको हम पका लेते हैं थोड़ा सा मसाले के साथ, उसके बाद हम पानी डाल के इसको पकाएंगे उबालेंगे। ये देखिए इधर तो चलिए देख लेते हैं अभी जरा इधर सब जला हुआ क्या जला है क्या। ये देखिए ये देखिए नहीं जला है, कितना अच्छा से पक रहा है। ये देखिए से नहीं जला है तो हम फिर से इसको ढक देंगे बर्तन से। ढक दिए और चलिए देख लेते हैं कितना देर में फ्राई होता है। लगता है हमको धीमे आंच में मतलब पकाएंगे तो नहीं जलेगा, पानी भी देना नहीं पड़ेगा, ये तेल मसाले के साथ ही फ्राई हो जाएगा और ये अच्छा से उबल भी जाएगा यानी कि सीज भी जाएगा। ये देखिए धीमे धीमे आँच लगाए हैं, ज़्यादा लकड़ी नहीं दिए तो देखते हैं कितना देर में मेरा इधर सब्जी बनता है, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। और ये देखिए दोस्तों मेरा इधर सब्जी बन चुका है। ये देखिए और ये देखिए मैं काट के दिखा रहा हूँ। ये देखिए अच्छा से उबल गया है, फ्राई हो गया है। ये देखिए तो अभी हम इसमें डालेंगे पानी, चलिए डाल लेते हैं हल्का पानी दे देते हैं इसमें। देखिए पानी दे दिए, और देखिए कितना मस्त बन गया है सब्जी मेरा। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है देखने में और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों प्याज के पत्ते के साथ सब्जी, खास करके आलू का। ये देखिए सारा हम लोगों का आलू उबल गया है। ये देखिए तो अभी हम इसको नीचे कर देंगे। बर्तन से हम ढक दिए और अभी हम इसको नीचे कर लेंगे। देखिए नीचे कर दिए और अभी हम इसमें चलाएंगे दाल। उधर चावल मेरा बन गया है, इधर सब्जी भी बन गया और इधर देखिए पानी ले आया है। तो अभी हम चलाएंगे दाल और सब्जी तो हो गया। और वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।